हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरी चैनल फ्यूज़न किक्की में। और मैं आज में आपको बतलाने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले मॉर्निंग में मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद फिर मेन गेट का लॉक ओपन करती हूँ। देन आफ्टर की को हैंग कर देती हूँ और सबसे सुबह सुबह अपने लिए हल्का गुनगुना पानी करती हूँ। हल्का गुनगुना या गर्म पानी पीना अर्ली मॉर्निंग में बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसे मैंने अपने डेली रूटीन में शामिल कर रखा है। यह आपके बॉवल सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिट है। और दोस्तों, उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा योगा। योगा करना आपके ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है और अपनी बिजी लाइफस्टाइल में चाहे आपका स्केड्यूल कैसा भी हो, आप कम से कम 15 मिनट, हाफ एन आवर या 1 आवर, जितना भी हो सके उतना टाइम अपने लिए ज़रूर निकालिए। मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, जो भी फिज़िकल एक्टिविटी आपको अच्छी लगती हो वो कर सकते हैं। योगा करना इजी होता है, आप इसे खुले में बैठ के छत पे या कोई भी ओपन स्पेस जहाँ पे भी आप करना चाहे कर सकते हैं। हालांकि मैं पहले बहुत ज़्यादा नहीं करती थी, पर कुछ दिनों पहले मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और देन डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा इट्स अ बेस्ट रेमेडी कि आप थोड़ा प्राणायाम और योगा इंक्लूड करें अपने लाइफ में। मैं बहुत बेसिक से चीज़ें करती हूँ, जैसे कपालभाति हो गया, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, या गहरी सांस लेना। आप कह सकते हैं कि योगा में मैं बिगिनर हूँ। 20 to 25 मिनट्स योगा करती हूँ मैं। देन आफ्टर मैं चली जाती हूँ अपने छत पे। छत पे हमने कुछ गमलों में प्लांट्स रखे हैं। सुबह सुबह मैं उन पौधों में पानी डाल देती हूँ। हालांकि मुझे गार्डनिंग का इतना आइडिया नहीं है, ये सारा काम मेरी मदर इन लॉ करती हैं, लेकिन मैं उसमें पौधों में पानी ज़रूर डाल देती हूँ। प्लांट्स को मेंटेन करना और गार्डनिंग करना अपने आप में एक कला है। मेरे पेरेंट्स को भी गार्डनिंग का बहुत शौक है, वो एक एक पौधे की देखभाल अपने बच्चों के जैसे करते हैं। मेरी मदर इन लॉ ने तुलसी का पौधा, कड़ी पत्ते का पौधा, एलोवेरा, काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। रोज़ प्लांट्स, कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स भी लगा रखा है उन्होंने। प्लांट्स में पानी डालने के बाद फिर मैं वापस नीचे आ जाती हूँ। नीचे आने के बाद मैं सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ। हालांकि मैं खुद तो चाय नहीं पीती, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, वो लोग चाय पीते हैं, तो मैं उनके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। और साथ ही अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग जाती हूँ। यहाँ पे मैं काला चना चाट या बॉयल चने की चाट बनाने जा रही हूँ। हालांकि चने को आप अगर स्प्राउट्स के रूप में या भिगोके खाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, पर कभी कभी फॉर अ चेंज मैं उनको उबाल के भी खाती हूँ। एक तरफ मेरी चाय भी चढ़ी है, फिर मैं जाती हूँ और मोटर ऑन कर देती हूँ ताकि हमारी टैंक भी सुबह सुबह भर जाए। काला चना चाट के साथ मैं यहाँ पे रवा चीला या सूजी चीला जिसे कहते हैं वो बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने सूजी में प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची बारीक कटे हुए सब कुछ डाल दिया है और साथ ही डाल रही हूँ उसमें दही। ये एक बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट है। थोड़ा जीरा ऐड कर लीजिए, साथ ही डाल लीजिए थोड़ा पानी ताकि आप सूजी की कंसिस्टेंसी देख सकें, थोड़ा नमक स्वाद अनुसार जितना भी आप चाहें। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ
और थोड़ी देर इसे फूलने के लिए ढक के रख देती हूँ। ब्रेकफास्ट की आधी प्रिपरेशन करने के बाद मैं वापस अपने बेडरूम में जाती हूँ। इस टाइम तक मेरे हस्बैंड भी सो के उठ चुके होते हैं और जिम चले जाते हैं, तो फटाफट से मैं अपना बेड बनाती हूँ। जी हाँ, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद अपना बेड इंसान को सबसे पहले सही करके रख देना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना बेड अच्छे से सजा लिया है और यहाँ पे मैंने रखे हैं अपने नहाने के बाद पहनने के लिए कपड़े। मेरी मेड भी आ गई है और वो झाड़ू पोछा क्लीनिंग कर रही है। चलिए अब चलते हैं दोबारा ब्रेकफास्ट की ओर। काला चना चाट के लिए मैंने सेम प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची बारीक जो काटी थी वो लिया। उसमें उबले हुए चने, थोड़ा नींबू का जूस डाल रही हूँ। ये एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, साथ ही साथ टेस्टी भी होता है। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, जितना भी आप पसंद करते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो धनिया पत्ती भी गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं, पर वो मेरे पास नहीं थी। इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपना सूजी चीला। इसे बैटर को तवे पर डालने के बाद थोड़ा सा ढक दें और सिम करके रख दें। अब मैंने यहाँ पे अपने चीले को पलट लिया है, आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से इसे क्रिस्प ब्राउन होने तक तैयार कर लें। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, एक सूजी चीला, थोड़ा टमाटो केचप, हालांकि वो हेल्दी नहीं है, एक एप्पल और थोड़ा सा काला चना चाट। और दोस्तों, अब मैं हो गई हूँ तैयार बाहर जाने के लिए। आपको मेरी मॉर्निंग रूटीन वीडियो कैसी लगी, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।